रूल नंबर दो कह रहा है भाई, इंग्लिश के सेंटेंस में आपको रूल की पहचान के तौर पे एज वेल एज मिलेगा, अलोंग विद मिलेगा। चेक करो बुक में, रूल नंबर दो या तीन ही मिलेगा ये, चेक करो रूल बुक में। मिल गया क्या? कौन से नंबर पे है? दो पे। चलो तो बढ़िया है फिर। जो मैं बोर्ड पे सबसे पहले लिखूंगी वो रूल की पहचान होगी, कि पेपर में वो रूल ढूंढोगे कैसे। अगर इसमें से कोई शब्द आएगा तो ये नियम है, अगर इसमें से कोई शब्द नहीं आया तो वो नियम नहीं है। अब नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है भाई हम है कंजंक्शन, हम जोड़ेंगे दो अलग अलग सब्जेक्ट को आपस में, पर कभी भी बात नहीं करेंगे दूसरे की। हमारा सब्जेक्ट हमेशा कौन सा माना जाएगा? जो हमसे पहले है ना कि जो हमसे बाद में है। इसको दुनिया की नजर से देख लो, जो तुम्हारे आगे होता है ना तुम्हें वही दिखता है, जो तुम्हारे पीछे होता है ना वो तुम्हें दिखता ना तुम उसे देखना चाहते, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है उसका जीवन, उसका जीवन। आगे दौड़ना, आगे दौड़ना है तो पीछे वाले की कोई कदर नहीं है। वैसे ही इसमें आगे वाले की कदर है, पीछे वाले की कदर नहीं है। तो आगे वाले की कदर है यानी जैसा सब्जेक्ट नंबर वन वैसी वर्ब, सब्जेक्ट नंबर टू से हमें कोई मतलब नहीं है। पर यह रूल कब लगेगा? जब इनमें से कोई शब्द सेंटेंस में दिखेगा। सपोज मैंने लिखा आई, ये क्या कलर चुना गया भाई, दिखेगा नहीं है तुम्हें, ये दिख जाएगा। आई एंड नॉट आशीष एम आस्किंग क्वेश्चन, रूल क्या था रिवाइज करो। जहां भी ये शब्द आएंगे सब्जेक्ट नंबर दो को नहीं, सब्जेक्ट नंबर एक को देखना है, और जो मेन सब्जेक्ट होता है वर्ब उसके लिए आती है। सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट की वर्ब कभी नहीं आती, डिपेंडेंट सब्जेक्ट की वर्ब कभी नहीं आती, मेन सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है। मैंने सेंटेंस सही लिखा था, एंड नोट कह रहा है मैं आशीष की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? और आई के लिए इंग्लिश में एम ही लगाया जाता है, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, हालांकि जज निरा होगा। जो इंग्लिश बोलते हैं, रीडिंग करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस उन्होंने देखे या पढ़े नहीं होते, और इसीलिए ये चीजें पेपर में आ रही हैं। गलत भी तो तभी करोगे जब आशीष के साथ इस जचाओगे, और सही क्या होगा? एम। ज्यादातर लोग इसमें या तो इस लगाने की सोचते हैं या आर लगाने की सोचते हैं, उन्हें लगता है एंड लगा है, दोनों की बात हो रही है, या फिर रूल को ही तोड़ने की सोचते हैं, नोट हटा दो, एंड के साथ नोट थोड़ी ना आता कभी भी। तो हम अपने ही तरीके से इंग्लिश को देख रहे हैं, जबकि देखनी आपने पेपर में इस तरीके से है। ये फ्रेज, ये कंजंक्शन जहां भी दिखेंगे सब्जेक्ट नंबर वन के अनुसार वर्ब लगानी है, टू से अपने को कोई मतलब नहीं।